हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले दो वीडियो में AKT ERP में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 3 के जो AKTU साइट वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं www.aktutor.in से जो आपने उठाए होंगे PDF फॉर्म में, ठीक है, मॉड्यूल 3 के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल 3 के, जो सीक्वेंस सीरीज और फोरियर सीरीज पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं बच्चों की डिमांड पर ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सीक्वेंस से रिलेटेड है, एक सीक्वेंस दी है आपको और बताना है कि इसमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी या नाइदर कन्वर्जेंट नो डाइवर्जेंट नन ऑफ दी, जिनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि AKTU की साइट पे जो क्वेश्चन है उसमें 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं, और किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन भी सही है, किसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन भी सही है, किसी का 1 सही है, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, जिसका कंसेप्ट और बेसिक अच्छा है वही बता पाएगा कि इसके कितने ऑप्शन सही होंगे। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मीनिंग ही यही होता है कि उसमें चॉइस जो है हमारी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 ऑप्शन होते हैं, कैसे 3 ऑप्शन होते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिक्वेंस दिया आपको, बताना है कि सिक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, सिक्वेंस अगर आपको दी होती है तो सिक्वेंस की हमें लिमिट निकालनी होती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यदि आप इस सिक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं और वो वैल्यू आपको फाइनाइट और यूनिक मिल जाए, तब हम बोलते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए एन स्क्वायर से ऊपर कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं, जो कि कॉमन लेके कट जाएगा, और सॉल्व करके आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। जब इसमें एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 - 0 और 3 + 0 यानी कि 1/3, जो कि एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, 1/3 जो कि एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, और ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, तो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो उसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ज्योमेट्रिक सीरीज को लेकर क्वेश्चन, कि एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो आर, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज GP जिसका कॉमन रेशियो आर है वो डाइवर्जेंट होगी। आप जानते हैं पहले से ही, ये क्वेश्चन मैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट में भी आपको पहले करा चुका हूँ GP वाले। तो आर ग्रेटर देन 1 के लिए जो है ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेसेसरी कंडीशन को लेकर, 4A सीरीज समेशन UN2B कन्वर्जेंट, इट इज़ नेसेसरी बट सफिशियंट डेट। मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कौन सी कंडीशन इनमें से नेसेसरी है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर सीरीज आपकी जो है समेशन UN है और वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो आप UN की जब लिमिट निकालेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर, वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। ये होती है नेसेसरी कंडीशन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 infinite series आर गिवन, 2 infinite series दी है आपको, देन द सीरीज फॉर्म बाय देयर सम, और उन दोनों इन्फाइनाइट सीरीज के सम से एक सीरीज बनती है। मतलब आपको मान लीजिए समेशन UN दिया है और ये 2 सीरीज का सम है, एक VN का और एक WN का, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको बोला गया है कि नंबर ए पॉइंट में कि कन्वर्जेंट होगी इफ़ बोथ द गिवन सीरीज आर कन्वर्जेंट। बिल्कुल सही बात है, अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो पूरी सीरीज ही हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर दूसरा कहा है कि डाइवर्जेंट होगी यदि इनमें से कोई एक डाइवर्जेंट हो जाए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी डाइवर्जेंट हो गई तो ये पूरी जो लेफ्ट में सीरीज बनेगी ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब तो ए और बी पॉइंट दोनों ही ट्रू होंगे यहाँ पर, है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों ट्रू पॉइंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, अल्टरनेटिंग सीरीज जिसमें हमारा एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव होती है, ठीक है। वैसे तो लेबनीज टेस्ट का ही क्वेश्चन है और लेबनीज टेस्ट सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारी AKTU की जो साइट है उससे PDF में हमारे 2-3 क्वेश्चन लेबनीज टेस्ट के हैं, तो इसके 2-3 क्वेश्चन हम लेबनीज टेस्ट से करेंगे। तो मैं लेबनीज टेस्ट बता देता हूँ क्या होता है, ताकि आप उसको समझ कर उसको यूज कर सको। लेबनीज टेस्ट ये होता है कि अगर हमारी कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, है ना, लेबनीज टेस्ट में लिख देता हूँ पहले इसका स्टेटमेंट, लेबनीज टेस्ट,
एबनीज टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, द अल्टरनेटिंग सीरीज, और वो सीरीज हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन यू एन, इस प्रकार से समेशन हो, समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये अल्टरनेट टर्म्स आएगी सीरीज में, तो ये हमारी जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है यदि तीन कंडीशन को फुलफिल करे, और वो तीन कंडीशन होती है, नंबर वन कि यू एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये जो हमारा यू एन है इस यू एन की वैल्यू जीरो से बड़ी, मतलब सभी टर्म पॉजिटिव हो यू एन को लेकर के, है ना। नंबर टू, ये जो सिक्वेंस हमारी यू एन की बनेगी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, मतलब जो आपकी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी वो टर्म्स छोटी होनी चाहिए पिछली टर्म से, डिक्रीजिंग सिक्वेंस होनी चाहिए यू एन को लेकर के। और तीसरा इसमें होता है कि जो लिमिट आए आपकी यू एन की वो जीरो के इक्वल आए, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है तभी कन्वर्जेंट होगी यदि तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सीरीज को अगर देखा जाए तो ये सीरीज आपको दिया समेशन माइनस वन की पावर एन माइनस वन लॉग एन प्लस वन अपॉन एन। तो यदि आप इससे कंपेरिजन करते हैं ऊपर वाली सीरीज से तो यू एन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, यू एन की वैल्यू होगी लॉग एन प्लस वन अपॉन एन, यानी कि वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि लॉग वन प्लस वन अपॉन एन, एन की वैल्यू जैसे वन टू थ्री फोर आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि यू एन की जो वैल्यू है हमेशा जीरो से बड़ी मिलेगी, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आप जानते हैं कि जो थ्री अपॉन टू वैल्यू है वो लेस देन होती है टू अपॉन वन से, और अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूँ, अगर मैं इधर भी लॉग ले लूँ, ये लॉग थ्री अपॉन टू हो जाएगा और ये हमारा लॉग टू हो जाएगा, तो ये भी हमारा लेस देन का ही सिंबल रखेगा। इससे शो होता है कि जो यू टू जो सेकेंड टर्म है यू टू वो फर्स्ट टर्म से छोटी है, इसका मतलब सिक्वेंस आपकी डिक्रीजिंग है। तो दिस इम्प्लाइज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू एन की वैल्यू यहाँ पर यू एन माइनस वन से छोटी है फॉर ऑल एन के लिए, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन में आपको उसकी लिमिट निकालनी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर यदि आप यू एन की लिमिट निकालते हो तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर आपको ये लॉग वन प्लस वन अपॉन एन, यानी कि लॉग वन वैल्यू आएगी, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबनीज टेस्ट से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। यू एन की वैल्यू जीरो से बड़ी भी है, इसको याद रखना क्योंकि आगे दो क्वेश्चन और आएंगे इसके, यू एन की वैल्यू जीरो से बड़ी भी है, यू एन सिक्वेंस जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, घटती हुई है सिक्वेंस, और यू एन की लिमिट जीरो के इक्वल भी है। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है आपकी सीरीज तो जो सीरीज होती है हमारी वो कन्वर्जेंट होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो इसका मतलब बाय द लेबनीज टेस्ट ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट पे भी वो क्लिक करेंगे हम, और कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट पर भी क्लिक करेंगे। लेबनीज टेस्ट जो मैंने बताया ये होता है, इसका यूज होगा आगे, दो क्वेश्चन और आएंगे तो उसको अच्छे से आप समझ के चलना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है कि द सीरीज, एक सीरीज दी है और आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी। सीरीज अगर देखे, सीरीज की nth टर्म उठा लेता हूँ मैं, सिक्स्थ में nth टर्म दी है वन प्लस वन अपॉन एन की पावर माइनस एन, ये आपकी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर आप इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हो, यू एन की लिमिट निकाल लेते हो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर, तो उसकी डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं जब हम, तो हमें मिलेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको हम वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू ई होती है लिमिटिंग फॉर्म में, और वन अपॉन ई कभी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। और आपको पता है कि सीरीज हमारी तभी कन्वर्जेंट होती है यदि यू एन की लिमिट, नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे, यदि यू एन की लिमिट जीरो के बराबर हो, ठीक है, वो नेसेसरी कंडीशन होती है कन्वर्जेंसी के लिए। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो हमारी यू एन की लिमिट जीरो देगा हमेशा, लेकिन यहाँ पर यू एन की लिमिट जीरो के बराबर नहीं है, और चूंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट होगी बाय द लिमिट टेस्ट, है ना। तो डाइवर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट बाय लिमिट टेस्ट, यानी कि बी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में एक सीरीज दी है और आपको बताना है कि सीरीज कैसी होगी, कैसे इसका नेचर होगा, कैसे इसका बिहेवियर होगा। तो इस सीरीज को उठा लेते हैं। सीरीज की अगर nth टर्म की बात करें तो सीरीज की nth टर्म हमारी बनेगी यू एन इक्वल टू टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, यानी कि टू की पावर एन,
नीचे वन का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर प्लस वन, थ्री का स्क्वायर प्लस वन, यानी कि एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आप यू एन प्लस वन फाइंड कर देंगे तो टू की पावर एन प्लस वन और नीचे बन जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। यदि आप यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाते हो, यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड करते हो, तो इससे आपको मिलेगा अलग अलग करने पर टू की पावर एन इंटू टू और नीचे आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू की पावर एन। ये कैंसिल आउट होगा और इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है टू एन स्क्वायर कॉमन लेकर वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर और नीचे से आपको मिलेगा एन स्क्वायर कॉमन लेने पर ये वैल्यू। और जब आप इसमें एन को इन्फिनिटी रखोगे तो ये जो वैल्यू है ना, एन को जब इन्फिनिटी रखोगे तो आपको टू वैल्यू देगा, टू जीरो से बड़ा होता है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और बाय द रेशियो टेस्ट अगर ये लिमिट हमारी जीरो से बड़ी आती है, ठीक है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की लिमिट जीरो से बड़ी आती है तो सीरीज हमारी होती है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रेशियो टेस्ट मैंने लगाया इसमें। क्वेश्चन नंबर एट, ये हमने कंपेरिजन टेस्ट में पहले भी किया है। यू एन जो आपको दिया है वो दिया है अंडर रूट एन की पावर फोर प्लस वन माइनस अंडर रूट एन की पावर फोर माइनस वन। पहले तो हम इसको वी एन बनाने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यदि इसके कंजुगेट की बात करें तो ऊपर मिलेगा एन की पावर फोर प्लस वन एन की पावर फोर माइनस वन। इसका कंजुगेट हो जाएगा एन की पावर फोर प्लस वन प्लस एन की पावर फोर माइनस वन। इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा एन की पावर फोर प्लस वन और प्लस एन की पावर फोर माइनस वन। तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एन की पावर फोर प्लस वन और माइनस एन की पावर फोर प्लस वन अपॉन अंडर रूट में एन की पावर फोर प्लस वन और प्लस अंडर रूट में एन की पावर फोर माइनस वन। ये कैंसिल आउट होगा टू अपॉन, इसमें से हम जब एन की पावर फोर कॉमन लेंगे तो बाहर आके एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और बाकी सब मटेरियल को हम अलग अलग कर देंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसमें हम टू तो ऊपर रहेगा, बाहर हम एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये आपको मिलेगा अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एन की पावर फोर और प्लस अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एन की पावर फोर। तो वी एन हमें यहाँ पर वन अपॉन एन स्क्वायर को मानना पड़ेगा और ये एक पी सीरीज होगी, पी की वैल्यू यहाँ पर टू है, टू की वैल्यू वन से बड़ी है और जब पी सीरीज में टू की वैल्यू वन से बड़ी होती है और आप यू एन अपॉन वी एन की लिमिट निकालेंगे तो आपको यू एन अपॉन वी एन की लिमिट टू मिलेगी जो कि नॉन जीरो वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू है। तो कंपेरिजन टेस्ट लगाते हुए और पी सीरीज की कंडीशन यूज करते हुए जब पी की वैल्यू वन से बड़ी होती है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो फोरियर सीरीज का है, क्वेश्चन नंबर नाइन। इसमें आपको कहा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो और ये इस इंटरवल में डिफाइन हो तो जो एक्स इक्वल टू माइनस पाई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है उस पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। आपको डिरिचलेट कंडीशन याद होगी, डिरिचलेट कंडीशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। डिरिचलेट कंडीशन आपकी ये होती है कि अगर आपको एफ माइनस पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और माइनस पाई यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो आपको निकालनी पड़ेगी माइनस पाई माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको निकालना पड़ेगा माइनस पाई प्लस जीरो राइट हैंड लिमिट और अपॉन में आपको टू, इनकी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीन वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि आपकी डिरिचलेट कंडीशन कहती है। अब यहाँ पर अगर आप फाइंड करते हो माइनस पाई पर राइट हैंड लिमिट वो ईजिली निकल जाएगी, है ना, माइनस पाई पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो निकाल के दिखाता हूँ मैं। एफ ऑफ माइनस पाई प्लस जीरो की वैल्यू चाहिए जो आपको देगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ माइनस पाई प्लस एच, और ये जो आपका फंक्शन दिया है इसमें एक्स की जगह पे माइनस पाई प्लस एच रख देंगे, माइनस पाई प्लस एच और ये मिलेगा माइनस पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है एच को जीरो रखने पर आपको माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर वैल्यू मिलेगी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। अब मुझे माइनस पाई पर यहाँ पर निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन माइनस पाई पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें ये पता है ये फंक्शन आपका टू पाई पीरियोडिक है तो एफ ऑफ माइनस पाई की जो वैल्यू होगी
वो एफ ऑफ माइनस पाई प्लस टू पाई के इक्वल होगी, क्योंकि टू पाई पीरियोडिक है, यानी कि इसको हम एफ ऑफ पाई भी कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर माइनस जीरो करो तो यहाँ पर आप माइनस जीरो चला सकते हो हर स्टेप में, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर माइनस पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, वो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन लगाकर हम इसको बदल देंगे एफ पाई माइनस जीरो में, यानी कि पाई पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो टू पाई ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ऐसे ही आप पाई माइनस जीरो यानी कि पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो पाई और प्लस पाई स्क्वायर और प्लस माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर अपॉन टू वैल्यू देगा, जो कि ये कट जाएगा और सॉल्व करके आपको पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में फोरियर सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जो साइन एन एक्स का पीरियड होता है आप जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, टू पाई अपॉन एन इसका पीरियड होता है, इसका यूज भी होगा आगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में फंक्शन दिया, बताना है कि इवन है या ओड फंक्शन है। इवन ओड के लिए हमें एक्स को माइनस एक्स रखना पड़ेगा। यदि मैं इस पूरे फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स रखता हूँ तो ये वन प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस पाई माइनस एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, ये वन माइनस एक्स होगा, और ये जीरो से बड़ा माइनस एक्स लेस देन पाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो वन प्लस एक्स, इसको पॉजिटिव एक्स बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि यह बन जाएगा आपका जीरो से, ये इंटरवल चेंज हो जाएगा जीरो से एक्स, और ये पाई आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, और ये वन माइनस एक्स, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस पाई पहले आएगा, फिर एक्स और फिर जीरो। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स के ही इक्वल है, ये फंक्शन वही बन जाएगा जो कि आपको गिवन है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, ठीक है, तो ए ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इसमें हमें बताना है कि इसकी अगर फोरियर साइन सीरीज में एक्सपेंड करें तो बी एन की वैल्यू क्या होगी। अगर फोरियर साइन सीरीज में एक्सपेंड करते हैं तो बी एन की वैल्यू हमारी होगी, यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते हैं, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स, ये हमारा बी एन को निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, जो कि एक्स साइन एक्स है, और एक हमारा साइन एन एक्स साथ में होता है, और ये डी एक्स। तो देखा जाए तो उसमें ए ऑप्शन हमें मिल गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चूंकि माइनस पाई से पाई लिमिट है तो इवन ओड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, और ये भी ओड फंक्शन है। दो फंक्शन अगर ओड होते हैं तो वो एक इवन फंक्शन बनाते हैं, और इवन की ओड के साथ प्रोडक्ट करके एक ओड फंक्शन बनता है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई में हमेशा जीरो होता है, तो सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। तो इवन ओड का कंसेप्ट लगाएंगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दो ओड फंक्शन मिलकर इवन फंक्शन बनाएंगे, और इवन और ओड मिलकर के जीरो, यानी कि आपका ओड ही फंक्शन बनेगा जिसकी वैल्यू जीरो हमारी आएगी, तो उसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं। 13 में आपको ए जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पर ए जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए जीरो का फॉर्मूला होगा वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई पर डिफाइन है फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये ए जीरो का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो वन अपॉन पाई को बाहर रखता हूँ, और इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन आपका दो हिस्सों में ब्रेक है। माइनस पाई से जीरो पर माइनस के वैल्यू दे दूंगा, और फिर प्लस जीरो से पाई पर मैं इसको के वैल्यू दूंगा। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपको मिल गया, वन अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू देगा। वन अपॉन पाई बाहर रहेगा, माइनस के तो कांस्टेंट है, और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट माइनस पाई से जीरो रहेगी, के बाहर रहेगा, एक्स इंटीग्रेशन जीरो से पाई रहेगी, वन अपॉन पाई, और ये आपको देगा माइनस के, एक्स को जीरो रखा तो जीरो आएगा, एक्स को सेकेंड लिमिट तब जब रखेंगे तो ये प्लस पाई आएगा, और यहाँ पर ये के पाई मिलेगा और माइनस जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा आंसर जीरो आ गया आपका, ये तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये फोरियर सीरीज के क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पीड इसमें बन जाती है आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको हाफ रेंज साइन सीरीज 1 की फाइंड करनी है, यानी कि जो एफ एक्स फंक्शन दिया है 14 में
वो वन के इक्वल है, वन की आपको साइन सीरीज फाइंड करनी है। वन की साइन सीरीज होगी आपकी एफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन, एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी साइन एन एक्स, ठीक है। हाफ रेंज सीरीज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो बी एन की वैल्यू होती है, वेयर हाफ रेंज साइन सीरीज में बी एन की वैल्यू होती है टू अपॉन पाई जीरो से पाई और एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू तो वन है, तो ये बहुत ही ईजी इंटीग्रेशन हमारा पड़ जाएगा। तो टू अपॉन पाई बाहर रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू को वन रखेंगे तो ये साइन एन एक्स बचेगा खाली। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन होगा और लिमिट जीरो से पाई, तो ये आ जाएगा टू अपॉन पाई, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, कोस एन पाई अपॉन एन आएगा और फिर माइनस जीरो रखने पर आपको ये, यस को मैं माइनस को अंदर रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस को अगर अंदर रखते हैं, सॉरी अगर हम इसमें माइनस को अंदर रखते हैं तो ये माइनस हो जाएगी टर्म कोस एन पाई अपॉन एन और नेक्स्ट टर्म आपकी प्लस हो जाएगी वन अपॉन एन, वन अपॉन एन भी इसमें बाहर आ जाएगा, तो टू ये आपका एन पाई बाहर हो जाएगा, टू अपॉन एन पाई ये वैल्यू देगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन। और इवन ओड में इसमें इसको आप ब्रेक कर देंगे, जब एन की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर इवन, एन की वैल्यू इवन लेने पर ये हमेशा जीरो वैल्यू देगा, है ना, इवन के केस में जीरो वैल्यू देगा। और यदि एन ओड होगा, एन ओड होगा तो ये टू वैल्यू देगा और टू देगा तो बाहर मल्टीप्लाई होकर फोर अपॉन एन पाई आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ओड टर्म्स वाली आपको टर्म मिलेगी, जब आप ये वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे तो ओड टर्म से वैल्यू मिलेगी और ओड टर्म से वैल्यू मिलने पर सी ऑप्शन का करेक्ट होगा, क्योंकि फोर अपॉन पाई तो बाहर ही आ जाएगा कॉन्स्टेंट की तरह। एन को वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म साइन एक्स, एन को थ्री रखेंगे तो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, एन को फाइव रखेंगे तो फाइव एक्स अपॉन फाइव, क्योंकि ओड पर ही आपको वैल्यू मिलेगी, इवन पर ये जीरो हो जाएगा। तो ये वन की हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है जीरो से टू इंटरवल में एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए, और हाफ रेंज साइन सीरीज में ए एन की वैल्यू बतानी है। हाफ रेंज साइन सीरीज में ए एन की जो वैल्यू होती है वो जानते हैं आप, एल की फॉर्म में पहले बताऊँगा, टू अपॉन एल जीरो से एल और एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है ए एन का। लेकिन हमें यहाँ पर एल की जगह पर जो वैल्यू दी है वो टू दी है, तो टू अपॉन टू लिमिट जीरो से टू और एफ एक्स की वैल्यू एक्स है और ये कोस एन पाई एक्स अपॉन टू डी एक्स, यानी कि एक ऑप्शन हमें मिल गया इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, है ना। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो टू से टू कट जाएगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन और कोस एन पाई एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन टू अपॉन एन पाई एक्स एन पाई अपॉन टू लिमिट जीरो से टू, फिर माइनस एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन वन आएगा और कोस का दो बार कर देंगे इंटीग्रेशन तो ये प्लस हो जाएगा बाहर, और ये कोस एन पाई एक्स अपॉन टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन फोर, दो बार इंटीग्रेशन करने पर नीचे पावर हमारी जो है टू हो जाएगी। यहाँ पर टू रखने पर साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, जीरो रखने पर जीरो, तो फर्स्ट टर्म तो जीरो वैल्यू देगी और सेकंड टर्म से मिलेगा फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को उल्टा करके लिख देंगे ऊपर, एन को टू रखने पर कोस एन पाई आएगा, है ना, और एन को जीरो रखने पर वन आएगा और कोस एन पाई की वैल्यू आप जानते हैं वो माइनस वन की पावर एन होती है, तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन और फोर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इसका देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको एक सीक्वेंस दी है और सीक्वेंस को हमें बताना है कि इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे करेगी। सीक्वेंस की nth टर्म जो दी है वो log वन अपॉन एन आपको सीक्वेंस दी है। अगर आप इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी log वन अपॉन एन, एन को इन्फिनिटी रखना है और यदि एन को इन्फिनिटी रखेंगे log वन अपॉन एन, यदि आप यहाँ पर एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये log जीरो देगा और log जीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है और माइनस इन्फिनिटी पर सीक्वेंस आपके डाइवर्ज करेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी।
फिर सीक्वेंस है आपकी xn इक्वल टू सीक्वेंस आपको गिवन है जो कि 1/n सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को बताना है कि ये क्या क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको ओपन करके तो n को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो ये आपको सीक्वेंस मिलेगी। और यहाँ पर xn की लोअर लिमिट, लोअर बाउंड बनेगा 0 और अपर बाउंड बनेगा 1, तो सीक्वेंस हमारी हो जाएगी बाउंडेड, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। और अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे, इवन टर्म पे निकालो, ओड पे निकालो या जनरल पे निकालो, हमेशा जीरो वैल्यू आएगी जो कि फाइनाइट होती है, तो ये कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी है और साथ में हमारी कन्वर्जेंट भी है, तो हमारा ए और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। इसने कहा है कि सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, मतलब ए एन की अगर हम लिमिट निकालें वो फाइनाइट होनी चाहिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और फाइनाइट तो जीरो भी होता है, तो डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए तो जीरो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से ये हमारा जो है लेबनीज टेस्ट पे बनेगा। इसको अगर हम समेशन अल्टरनेटिंग सीरीज की फॉर्म में लिखें तो -1 की पावर n-1, और ये मिलेगा आपको 1/2 की पावर n-1 हमारा ये आना चाहिए। यस, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम un फाइंड कर सकते हैं, un होगा हमारा ये वाली टर्म, क्योंकि जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होती है उसमें हमें un को फाइंड करना होता है, तो un हमारा ये हो जाएगा। -1 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता un का, तो ये हमारी टर्म बनेगी। n की वैल्यू कुछ भी रखिए आपको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा ही होगा, क्योंकि 2 की पावर n-1 जो है वो लेस देन होता है 2 की पावर n से, और अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, और इससे शो होता है कि जो हमारी बड़ी टर्म है यानी कि un+1 वाली टर्म है वो लेस देन है un से, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरे में हमें लिमिट निकालनी होती है un की, और अगर आप यहाँ पर un की लिमिट निकालेंगे मतलब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी कि जीरो वैल्यू देगा। तो बाय द लेबनीज टेस्ट तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सीक्वेंस हमारी, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लेबनीज टेस्ट का है। इसको भी हम समेशन -1 की पावर n-1 × 1/n लिख सकते हैं। un फाइंड हो जाएगा 1/n, जो कि हमेशा जीरो से बड़ा होता है फॉर ऑल n के लिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन बहुत सिंपल सी है इसमें, चूँकि आप जानते हैं कि जो n+1 है वो ग्रेटर देन होता है n से, उल्टा करने पर 1/n+1 लेस देन हो जाएगा 1/n से, तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि जो un-1 है वो लेस देन है un से। ठीक है, un-1 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेस देन है un से, तो इसका मतलब सॉरी un+1 आएगा, इसका मतलब सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। और अगर आप इसमें लिमिट निकालेंगे 1/n की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर वो जीरो आएगा, तो बाय द लेबनीज टेस्ट ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, तो इसका ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है आपको ये कैसी सीरीज है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जो सीक्वेंस की n टर्म दी है वो उठानी है। सीक्वेंस की n टर्म दी है n+1/n2, और यदि आप इसमें n+1/n2 की लिमिट निकालते हो डायरेक्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो ये आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n/n। un की लिमिट अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पर, n को इन्फिनिटी हमें रखना है, n को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, n को इन्फिनिटी रखने पर 1+1/n जीरो आ रहा है, तो इससे तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे तो उसमें कोई दूसरा टेस्ट लगा लेते हैं, है ना।
अगर ये हमारी सीक्वेंस है, यू एन की वैल्यू दी है एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो इसमें हम इसको यस कंपेरिजन टेस्ट से कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो एन को ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये वन अपॉन एन हमारा बाहर बनेगा, जिसको हम वी एन मान सकते हैं। वी एन हमारी एक ज्योमेट्रिक सॉरी पी सीरीज बनेगी, ऑक्सिलरी सीरीज, जहाँ पर पी की वैल्यू वन है, और पी की वैल्यू अगर वन होती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज में आप जानते हैं कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है, तो कंपेरिजन टेस्ट से ये हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंपेरिजन से हो जाएगा, क्योंकि जो सीरीज दी है आपको साइन वन अपॉन एन, अगर इसको सीरीज फॉर्म में हम लिख दें, ये हमारी यू एन की वैल्यू होगी, सीरीज फॉर्म में इसका एक्सपेंशन करते हैं वन अपॉन एन और माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री वन अपॉन एन की पावर थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव वन अपॉन एन की पावर फाइव डॉट डॉट डॉट, वन अपॉन एन को बाहर लेने पर वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू वन अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव इंटू वन अपॉन एन की पावर फोर डॉट डॉट डॉट। एन को यदि हम इन्फिनिटी रखते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको हम वी एन मान लेते हैं, वी एन की वैल्यू वन अपॉन एन है, और जब आप यहाँ पर यू एन अपॉन वी एन की लिमिट निकालेंगे तो वो हमेशा वन आएगी, जो कि नॉन जीरो फाइनेट नंबर है, और वी एन हमारी एक पी सीरीज है जहाँ पर पी की वैल्यू वन है, और पी की वैल्यू वन होने पर सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कंपेरिजन टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, है ना, इसमें आपको एक सीरीज दी है और आपको बतानी है इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर यू एन फाइंड कर लेंगे, और यू एन आप अगर फाइंड करेंगे तो ऊपर सीरीज बनेगी 1, 3, 5, 7, नीचे बनेगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, यानी कि नीचे तो फैक्टोरियल एन रहेगा, ऊपर 1, 3, 5 का nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले ए पी वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तो 1 + 3 n - 1 × 2 यानी कि 2n - 1 आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी यू एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यदि यू एन की वैल्यू है तो फिर तो हम रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, यू एन प्लस वन फाइंड करेंगे तो 2n + 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन आएगा। दोनों को यदि डिवाइड करें, यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन, ऊपर आपको मिलता है 2n + 1 अपॉन एन प्लस वन और 2n - 1 ये वैल्यू हमें मिलेगी। और यदि आप इसमें एन को ऊपर से कॉमन लेकर एन को नीचे से कॉमन लेकर लिमिट निकालते हैं तो वो आपको वन के इक्वल मिलेगी, और वन पर आप जानते हैं रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो रेशियो टेस्ट यहाँ पर फेल होगा। तो रैबेज टेस्ट लगा के देखेंगे हम यहाँ पर। रैबेज टेस्ट ये होता है कि हमें यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन की मल्टीप्लाई एन के साथ करनी है और इसकी लिमिट निकालनी है। और यदि आप इसको सिंपलीफाई करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक एन बाहर रहेगा, और यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इसको उल्टा करके यदि सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस वन, है ना। तो इसको अगर सिंपलीफाई आप करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड इट विल बी, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा एन इंटू एलसीएम ले लेंगे हम इसका, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू अपॉन, और ये आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा 2n + 1। ये एन कॉमन लेके कट जाएगा, है ना, एन को कॉमन लेके अगर काट देते हैं तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये वन अपॉन एन बन जाएगा। एन को इन्फिनिटी रखने पर ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा, नीचे 2 आएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है 1 से बड़ा, और 1 से बड़े वैल्यू पर आप जानते हैं बाय द रेशियो टेस्ट सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बाय द रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ए जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए जीरो का फॉर्मूला होता है 1 upon π - π/π, और एफ एक्स की वैल्यू x³dx। ये हमारा ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का -π से π इंटीग्रेशन 0 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर एफ एक्स इक्वल टू x² दिया है, और हमें यहाँ पर बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला आपका सेम होता है इस तरीके से ही, -π से π और एफ एक्स और ये साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स तो हमारा इवन फंक्शन है क्योंकि x² है, तो x² इवन फंक्शन हो गया, साइन एन एक्स ओड फंक्शन हो गया,
और जब इवन फंक्शन की ओड के साथ मल्टीप्लाई होती है तो एक ओड फंक्शन बनता है, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई हमेशा क्या होता है, जीरो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाई ए फंक्शन विच इज, ये आप जानते हैं कि अगर एफ टी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से होगा, एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी के ही इक्वल आएगा। एक्स भी यूज हो सकता है स्मॉल टी की जगह पर, यहाँ पर एक्स भी यूज हो सकता है, मैंने एक्स की फॉर्म में डेफिनेशन आपको बता रखी है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 पर आते हैं, यहाँ पर हमें एफ जीरो की वैल्यू पूछनी है, और आप जानते हैं कि जीरो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो जीरो पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, जीरो पर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट भी लिख के जा सकती है, माइनस पाई लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और जीरो जो है इसमें राइट हैंड लिमिट होगी, और अपॉन टू, तो माइनस पाई अपॉन टू, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यदि कॉन्स्टेंट लिमिट होती है तो जहाँ पर एक्स माइनस जीरो से छोटा है, सॉरी एक्स जीरो से छोटा है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू ही हो जाएगी सेम, और अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वही हमारी सेम लिमिट हो जाएगी। यह आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। 28 में आपको फंक्शन के लिए फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। मैंने ऊपर आपको एक फंक्शन के लिए पीरियड बताया था, अगर कोस एन एक्स आपका फंक्शन है तो इसका पीरियड 2 पाई अपॉन एन होता है। बस नथिंग यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर एन की वैल्यू की कंपेरिजन करनी और पुट करना है। यहाँ पर अगर एन की वैल्यू देखी जाए तो 2 पाई अपॉन एन, एन की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 एन पाई अपॉन के, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, के अपॉन एन इसका आंसर आएगा, है ना, तो टी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 29 में हमें एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फंक्शन दिया है, और माइनस वन से वन पर इसमें ए जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसमें आपका लगेगा चेंज ऑफ इंटरवल वाला मेथड लगा देंगी। तो चेंज ऑफ इंटरवल से अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हो तो फॉर्मूला होता है 1/L और लिमिट माइनस वन से वन, और एफ एक्स यानी कि मोड एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। एल की वैल्यू यहाँ पर हमारी जो है वो वन हो जाएगी, तो उसको हटा ही देते हैं। मोड एक्स फंक्शन आप जानते हैं कि इवन होता है, तो जीरो से वन ले लेंगे, इसमें एक्स लिख देंगे और टू से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट जीरो से वन कंप्लीट सॉल्व करके वन वैल्यू देगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है, माइनस टू से टू इंटीग्रेशन करना है फोरियर सीरीज के लिए। देन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कंटेन, ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की सीरीज आप जानते हैं एक तो कॉन्स्टेंट टर्म रखती है जो कि फर्स्ट टर्म होगी, और एक कोसाइन की टर्म रखती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए मॉड्यूल 3 की। अब नेक्स्ट मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 4 होगा, जो कि मैं उसमें भी 30 क्वेश्चन ही होंगे आपके, ये ए के ट्यू की साइट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें मिसप्रिंटिंग भी है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो बच्चों से नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको वीडियो की फॉर्म में दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यूजफुल काफ़ी रहेंगे आपके एग्जाम में, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो लेकर